दिल्ली में कूड़ा पॉलिटिक्स। सीएम केजरीवाल के गाजीपुर पहुंचने से पहले बीजेपी का जोरदार हंगामा। नमस्कार, मैं हूं साक्षी मिश्रा और आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गाजीपुर लैंड फिल साइट पर पहुंचकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। सीएम ने कहा है कि पिछले 15 साल से दिल्ली एमसीडी में बैठी बीजेपी ने पूरी दिल्ली में हर जगह कूड़ा फैला रखा है। आज इनका असर गाजीपुर लैंड फिल साइट वाला कूड़े का पहाड़ के रूप में दिख रहा है। इसके साथ ही सीएम केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी वालों को अपना काम दिखाने में शर्म आती है। बीजेपी वालों ने 15 साल में दिल्ली में एक काम नहीं किया है। इसके अलावा सीएम ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री दिल्ली आते हैं और केजरीवाल को गाली देकर चले जाते हैं। सीएम ने कहा, दिल्ली के बुजुर्गों और माताओं बहनों से मैं पूछना चाहता हूं, मैंने श्रवण कुमार बनकर आप सभी को तीर्थ यात्रा करवाया, इस गाली का बदला दिल्ली के बुजुर्ग और जनता लेगी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा, इस बार का चुनाव दिल्ली की सफाई पर होगा। सीएम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी वालों ने अब नया प्लान बनाया है, अब यह 16 कूड़े के और पहाड़ बनाने जा रहे हैं। दिल्ली के गाजीपुर लैंड फिल साइट पर गुरुवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जाने का ऐलान किया था। सीएम केजरीवाल के जाने से पहले दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल वापस जाओ, केजरीवाल हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। दरअसल दिल्ली में एमसीडी के चुनाव की सुगबुगाहट के बीच दिल्ली की सियासत गर्म होती जा रही है। बीजेपी और आप एक दूसरे पर हमलावर हैं। दिल्ली बीजेपी कार्यकर्ता गाजीपुर में दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, जिसके तुरंत बाद आप कार्यकर्ता वहां पहुंचे और उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। बीजेपी और आप कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस कर्मी मौके पर मौजूद रहे। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज सुबह ट्विटर पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि इनके एक नेता से मैंने पूछा, 15 साल में नगर निगम में क्या काम किया। शर्माते हुए उसने दो काम बताए, पहला 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ बनाए, दूसरा पूरी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया। कल सुबह इनका गाजीपुर वाला कूड़े का पहाड़ देखने जाऊंगा, आप भी आइएगा। बता दें कि गाजीपुर लैंडफिल साइट इस समय कचरे के पहाड़ के रूप में दिखाई दे रही है। इस कचरे से निपटने के लिए कई योजनाएं बनाई गई, लेकिन किसी भी योजना ने प्रभावी रूप से काम नहीं किया। इस योजना में ताजे कचरे के निपटान के लिए यहां 6 महीने से बंद पड़े वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को जून में दोबारा शुरू किया गया, लेकिन इससे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है और लैंडफिल साइट वैसा ही बना हुआ है। इस लैंडफिल साइट के आसपास रह रहे लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है और लोगों के लिए बीमारी को दावत दे रही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो पर लाइक करें, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमसे साझा करें और इसी प्रकार की ट्रेंडिंग न्यूज जानते रहने के लिए ट्रिगर न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।